हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 10 रनों से बाजी मारते हुए इस आईपीएल सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की है। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के दौरान 14वें ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने उस समय सभी को सरप्राइज कर दिया जब वो खुद गेंदबाजी करने के लिए उतर गए। रोहित शर्मा 7 साल बाद आईपीएल में गेंदबाजी के लिए उतरे थे। हालांकि पहली गेंद डालने के दौरान ही रोहित शर्मा का टखना मुड़ गया, जिसके बाद वो मैदान पर बैठ गए और दर्द से करहाने लगे। रोहित शर्मा को दर्द में देख स्टेडियम में मौजूद उनकी वाइफ रितिका सचदेव भी परेशान हो गई। टीवी कैमरे का फोकस रोहित शर्मा की वाइफ रितिका पर गया, जिसमें वो काफी परेशान नजर आई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद रोहित शर्मा ने हालांकि अपना ओवर पूरा किया। रोहित शर्मा की पहली गेंद शाकिब के बल्ले के किनारे से लगकर बाउंड्री तक गई। इसके बाद रोहित की अगली 5 गेंदों पर केकेआर के बल्लेबाजों ने 5 रन बनाए। बता दें, इससे पहले रोहित शर्मा ने आईपीएल 2014 में गेंदबाजी की थी। रोहित शर्मा तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजी करने उतरे थे। रोहित शर्मा ने तब 1 ओवर में 6 रन दिए थे। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस को 152 रनों पर समेटने के बाद कोलकाता की टीम नीतीश राणा और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए हुई 72 रनों की साझेदारी की बदौलत एक समय आसान जीत की ओर अग्रसर थी। लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने किफायती गेंदबाजी करने के साथ साथ नियमित अंतराल पर विकेट निकालकर कोलकाता को लक्ष्य से 10 रन पीछे ही रोक दिया। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट और लाइक के जरिए दे सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट फैंटेसी के शौकीन हैं तो बल्लेबाजी.com एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इसमें आप अपनी टीम बनाकर लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आईपीएल मैचों में अपनी टीम जरूर बनाएं और अपनी फैंटेसी टीम बनाकर मालामाल बन जाइए। इस एप्लीकेशन को आप हमारी इस खबर के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।